घन श्याम से ये बिनती बारंबार, लाज रखो संकट हरो शरण रजनेश कुमार। आदरणीय श्रोतावण, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर दयानंद रूप ध्रुव महाराज काशी वेदांताचार्य के सौजन्य से गुलशन कैसेट में आप तक पहुंचाने जा रहे हैं वही पुरानी कहावत। गांव गांव में लोग प्रश्न कर दिया करते हैं कि बाबा मन को मौजी कहत बेन सो भौजी। साथियों, ये कहानी जो हम लेकर के चल रहे हैं गुलशन कैसेट के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब श्रीमान रामवीर सिंह ठेकेदार जो बरनाहल रहते हैं, हमसे कोई भूल बने तो हमसे नहीं बल्कि उन्हीं से बात करें। और आगामी प्रोग्राम भी हमारे गुलशन कैसेट के माध्यम से सुनेंगे। आ जाइए साथियों, गुरुदेव नाम ललहाम जिनका सर्व मंगल धाम है, उन पूज्य गुरुदेव श्री ध्रुव महाराज के चरणों में कोटि न कोटि प्रणाम। हे प्रभु की दशा मुझ दीन की, भगवन संभालोगे तो क्या हो। गीत सब तारे
पहला अद भी तार हमें कब तारोगे स्वामी, हमें कब तारोगे स्वामी, बता दो ये तो क्या होगा प्रभु। द्रौपदी की लाज प्रभु तुमने आई बचाई, लाज द्रौपदी की सब काटे और भमर में नाप है प्रभु जी गुरुदेव, भमर में नाप है स्वामी, किनारा दोगे क्या होगा सेवक बना लोगे तो क्या होगा मुझे निज, हाँ साथियों जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण दोनों भाई बड़े प्रेम से रह रहे हैं, लेकिन अर्धांगिनी सीता को जमीन में समा जाने के बाद यह संदेश भगवान श्री राम को मिला। भगवान श्री राम भागे भागे वहां पहुंचे जहां पर मैया सीता जमीन में समा गई। साथियों कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, त्रेता की कहानी है, ऐसा ही नहीं है ये कहानी बहुत पुरानी है। आर श्री राम और त्रेता की सुई गिलसन के सिट में देता हूं जैसी मांगे जनता की, हे भक्त जनो तुम ध्यान धरो, हे भक्त जनो तुम ध्यान धरो, में सभा बीच दर्शाएंगे कोई रजनीश शास्त्री अड़ूपुर वाले भजनों में समझाएंगे, श्री रामचंद्र ने क्या दुख देखा श्री रामचंद्र ने सभा बीच दर्शाएंगे
गुलशन कैसेट के माध्यम से तुम तक आज पहुंचाएंगे। साथियों, जिस समय भगवान श्री राम ने मैया सीता जमीन में समा जाती हैं तो भाग करके वह पहुंच गए, और मैया सीता जब नहीं मिली तो भगवान श्री राम बहुत रोए, आवाज लगाने लगे, सीते सारा जीवन तुम्हारा दुख में निकल गया, अब मैं कहां क्यों जाऊं। सीते, एक बार अपने मुख से मुझसे कोई बात कह दोगी तो मेरे दिल को बहुत बड़ी तसल्ली आएगी। भगवान श्री राम रोते हुए बोले, सीते कि उम्र मेरी गुजर गई सारी, नहीं सुख पायो पल, आवाज लगाने लगे, विश्वामित्र यज्ञ करुवाई, विश्वामित्र यज्ञ करुवाई, धनुभंजन कर सिया बिभाई, धनुभंजन कर सीते। विश्वामित्र ने यज्ञ करवाया, मैंने यज्ञ सफल किया, धनुष भंग करके मैंने तुम्हारे साथ में शादी की, क्या हुआ मेहंदी छूट न पिया की पाई तली, रूठी मई तारी, नहीं सुख पायो पले। पता नहीं मां की कैसी ममता हो गई, मां ने बचन पितु हम बन धाये, माने वचन पितु हम बन धाये, नाना पिधि के कष्ट उठाए, नाना सीते। एक दिन मार की मृग हम आए तली, बिछुड़ी घर बारी, नहीं सुख पायो पले।
जीते। जब तक हिरण मार्ग में लाए तब तक तुम्हारा बिछड़न हो गया। सारी जिंदगी तुमने दुखों में काटा, सारा जीवन तुमने दुखों में काटा सीते, सुख कहाँ देखा। रावण ने कीनी मकारी, कहाँ तक कहे बातें सीते। उस दसकंदर रावण ने तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं किया। रावण ने की निमकारी, रावण दस सिर काटी घूम दे डारी, दस सिर काटी खुश भय अयोध्या के नर नारी तली धोबी की मती मारी, नहीं सुख पायो पले गई सारी, नहीं सुख पायो पले भगवान श्री राम के आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। रोते रोते आवाज लगा रहे हैं सीते, अगर तुम मुझे नहीं मिलोगी तो अपना जीवन मैं भी उसी प्रकार से छोड़ दूंगा जिस प्रकार से तुमने हमें छोड़ दिया है। इस प्रकार से भगवान श्री राम आगे बढ़े, आगे बढ़कर के धनुष बाण लिया और तरकस से बाण को निकाला, धनुष पर चढ़ा लिया भगवान श्री राम। भरी लकी गए रोई, मिलाया बमोए का प्राण प्यारी, कहाँ मिलोगी सीता, कहाँ मिलोगी सीता। अरे भरी लकी गए रोई, प्रभु का मिल हो नारी हमारी, और गिर उठ खाक पछाड़ने न से बहन लगो अति पानी। बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी मुझसे भूल हो गई। भूल हमारी कुम्हा फकर हम से भूल बनी अति भारी, अरे माफ करो तक सीर धीर दे मेटो चिंता सारी। अगर तुम मुझे नहीं मिलोगी, रोते रोते रामवीर सिंह ठेकेदार, अरे माफ करो तक सीर धीर दे मिटो चिंता सारी, जो नहीं मिली हो सिया हमारी हम देवी प्रण गमारी।
बचपनी में कोई नहीं धीर धरैया। गुलशन जी निक भज के जइयो प्रभु कुली जो छुपाई। सौरभ कर सीता की यादी, मोहित कर सीता की यादी, प्रभु ही लखी दे रोई रहे। रजनस कर सीता की यादी, प्रभु ही लखी दे रोई रहे। राजा राम हिलकी दे प्रभु जी रोए गए। भगवान श्री राम रो रहे और तरकस से बाण निकाला, कहने लगे सीते अगर तुमने मुझे दोबारा से दर्शन नहीं कराए, तुम अगर मुझे नहीं मिलोगी तो ये राम भी नहीं रहेंगे। भगवान श्री राम ने तरकस से बाण लिया, अपने सीने पर रख लिया और तरकस से निकाला हुआ बाण जैसे ही धनुष पर चढ़ा करके और खींचने लगे, तब तक आवाज आने लगी प्रभु। अरे तब हर ने आवाज लगाई, अपने देवी प्राण गमाई। तब आवाज स्वर्ग से आई, का महाराज कही मति मारी। भगवान श्री राम ने जैसे ही आवाज सुनी, वो आवाज मैया सीता जैसी थी। मैया सीता ने कहा प्रभु राजा अम्बरीश घर जइयो, सुरपाक भोजन बनवइयो। तब हम बनी अम्बरीश दुलारी, तुम बनी हो सच्चे हितकारी। राजा अम्बरीश घर तुम जइयो, सूर्यपाक भोजन करबइयो। तुम बनियो सच्चे हितकारी, कोई तुम्हारे संग दूजी सादी। जिस समय भगवान श्री राम रोते रोते आवाज लगा रहे हैं तो आवाज आने लगी प्रभु अम्बरीश राजा के यहां पर हम तुम्हें मिलेंगे और तुम्हारे हमारे दूसरी शादी होगी। भगवान श्री राम ने ये वचन सुनने के बाद
बारह साल बिताने के बाद अनुज भ्राता लक्ष्मण को साथ में लिया चल पड़े हैं मैया सीता की खोज में। ऐसा ही नहीं, भगवान श्री राम भाइयों दोनों भाई जब चल पड़े हैं, आगे आगे भगवान श्री राम पीछे लक्ष्मण जा रहे हैं कि दोनों भाई स्नान कियो और आगे की सीध लगाई दोनों भाई जिस समय चले हैं साथियों चंदन को टी को लगाए लिया चंदन की सीध लगाई है भगवान श्री राम ने अनुज भैया लक्ष्मण को साथ में लिया स्नान ध्यान किया चंदन का टीका लगाया आगे बढ़ पड़े। जो तीन लोक में रमा हुआ दुखों की बह औलाती है करने को
माँ सीता की खोज करने को पैहर ने पैर बढ़ाया है। जिस समय भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण साथियों चलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते भी क्या जा रहे, वही सोचते जा रहे हैं सीता कहां मिलेगी, ऐसा ही नहीं। धीरे धीरे चलते चलते आज भगवान श्री राम बाणासुर की बगिया की तरफ आए हैं, और जैसे ही बाणासुर की बगिया की तरफ बढ़े तो बरसों से सूखा हुआ वो बाग हरा भरा हो गया। सौरभ, अरे बगिया में लहर लहराई, सारे वृक्ष गए हरियाई, बरसों से सूखा पड़ा भगवान श्री राम और लक्ष्मण का जैसे ही पैर पड़ा बगिया हरी भरी हो गई। तब माली ने अरज सुनाई और के भाज की गौ है भाई, और जैसे ही बाणासुर ने देखा माली भागता हुआ आ रहा है, माली चिल्लाने लगा महाराज की जय जय हो। बाणासुर कहने लगा क्यों भाग रहे हो? माली कहने लगा महाराज क्या बताएं, आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? कहने लगा महाराज क्या कहें, बरसों से पुराना बाग सूखा पड़ा लेकिन आज दो महात्मा के आते हुए वो बाग हरा भरा हो गया। ऐसा ही नहीं, इतना कहने के बाद माली वहां से भागा और जैसे ही बगिया में आया भगवान श्री राम से सार अवतारी लक्ष्मण जब बगिया में घुसे, आर बाला सुर की बगिया में हाय संत दो आए, कोई हुई बे आई गई सामर, कोई हुई बे आई गई सामरे, हाय माली से बतराए, भगवान श्री राम माली के पास में पहुंच गए, माली से कहने लगे माली भैया महाराज प्रभु ने जोड़े दो हाथ और आज की रात का हमें बिताने, माली बताए दे बात, कोई सुन के इतनी बात माली के हंस के बतरान, कोई सुन के इतनी बात माली के हंस के बतरान, बदला नो
मालिक है फिर से बतला लो। जिस समय माली से भगवान श्री राम ने कहा आज की रात मुझे इस बगिया में बितानी है, माली भैया तुम्हारा क्या आदेश है? माली कहने लगा, महाराज हाथ जोड़ करके मेरा विशेष अनुरोध यही है कि आज की रात की तुम बात कर रहे हो, सारा जीवन आप यहीं पर बिताएं, फिर भी बहुत कम है महाराज मेरे लिए। ऐसा ही नहीं रामवीर सिंह ठेकेदार, आरे सुन के इतनी बात तब ही माली बतरायो, मेरो 100 बरस पुरानो सू को बाग कर लहिरायो। अरे महाराज क्षमा करना, अरे भूप है अभिमानी राजा, तुम्हें नहीं मालूम प्रभु, अरे भूप मेरो अभिमानी राजा, और ताई के मारे ओ बाबा बिगड़ गए काजा, अरे ताई अरे नाई करात तुम यहां रही हो। सौरभ एक रात की बात कर रहे हो? माली कहने लगा, प्रभु सारी जिंदगी यहीं पर रहना फिर भी कम है, अरे नाई एक रात यहां रही हो, सब जन्म कर रहे बात समय बिलमई, अरे सुबह शाम बनाई है, क्या धन्य प्रभु तेरी लीला दिन की रात बनाई है, क्या लीला है पारक सुबह समनाई है, अरे तेरी एकदम जैसे ही माली ने चरणों में पकड़ के महाराज भगवान श्री राम से कहा, प्रभु क्षमा करना, सारा जीवन आप इसी बगिया में रहना, कभी भी तुमसे मना नहीं कर पाएंगे। और बात यह है हमारा राजा बाणासुर बड़ा ही अभिमानी राजा है, महाराज आप इसी बगिया में ठहरो और सारी सेवा हम तुम्हारी बनाते रहेंगे। सुबह होते ही होते भगवान श्री राम कहने लगे, हम चले जाएंगे माली भैया, रात ही रात तुम्हारे यहाँ पर मुझे बितानी है, मुझे कहीं दूसरी जगह पर जाना है। माली इतनी बात सुनने के बाद बड़ा खुश है, सोच रहा है, प्रभु आपसे हम क्या कहें, ऐसा ही नहीं लला मोहित कि हरी भई बगिया
चरण त्यारे पड़ की हरी भई बगिया। प्रभु तुम्हारे चरण पड़ने से ये बाग हरा भरा हो गया। चरण त्यारे पड़ के, चरण त्यारे पड़ के, चरण त्यारे पड़ के, चरण त्यारे पड़ के सुधर गई बगिया। हरी भई बगिया, चरण त्यारे पड़ के हरी भई बगिया। आज भगवान श्री राम बगिया में ठहर गए। माली गुनगुना रहा है, जीवन सुधरा दर्शन करके, जीवन सुधरा दर्शन करके, बदल गया ये चरणों में पड़ के, बदल गई दुनिया, बदल गई दुनिया, चरण प्यारे पड़ के हरी भई बगिया, चरण प्यारे पड़ के सुधर गई बगिया, प्रभु के चरण से सुधर गई। जिस समय माली ने इस तरीके से महाराज भगवान श्री राम का गुणानुवाद किया है, भगवान श्री राम बड़े खुश हुए। भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण उस बगिया में रुक जाते ही सुवेरा होते ही होते बाणासुर की लड़की का नाम है सती, आज वो कन्या चली है, सहेलियों को साथ में लिया। और जिस प्रकार से प्रत्येक दिन बाग में घूमने जाया करती थी, उसी प्रकार से उस दिन भी चली है ठेकेदार। ऐसा ही नहीं, आगे आगे वो राजकुमारी जा रही है, पीछे पीछे सब सखियां जा रही हैं, आपस में चर्चा करती जा रही हैं, क्या जीवन है उस कन्या का जो जीवन में कोई दुख न हो। ऐसे जीवन को भला किसी के जीवन में क्या होने वाला है। आज वो लड़की जैसे ही चली, सखियन संग में चल दई बाला सुरुष कुमार, नजर बढ़ाई सामने तो बैठे संत कुमार। और जैसे ही वो लड़की बगिया में आई, और बगिया में आते ही आते उसने बगिया में नजर डाली, और नजर जैसे ही डाली तो राजकुमार दोनों, ये भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण दोनों महात्मा बैठे बाबा के रूप में। क्या दशा है लला मोहित, क्या थी वो दशा। जाग के काले के सने न कजरा रे गोरे सयानी चढ़ी जवानी संग में जाई रही सखियां चार, और बड़ी बड़ी अखियां सन की सखियां सखियां भोई देखतला, और राजकुमारी बड़ी अंगारी दीखत सखियन न्यारी चाल, और तारों बीच के चंद्र छवि न्यारी न्यारी सखियन मेरी सुकुमार, और देखी सूरत जब लक्ष्मण की बिटिया रह गई आंखें भार।
सखीबा के सगखी सखियां दिल की बात सखी को छिपा है सो तुम हमको दियो बता आज जैसे ही शक्ति की नजर पड़ी है लक्ष्मण के ऊपर तो लक्ष्मण की तरफ देख करके वो शक्ति बेचारी सोचने लगी बाजी बा दूल्हा हो तो ऐसा होना चाहिए कितना सुंदर लग रहा है बगिया के बीच में यूं मालूम पड़ रहा है कि रात्रि का चंद्रमा इस बगिया में आ गया हो और धीरे धीरे वो राजकुमारी उस बगिया के पास में पहुंची और बगिया में जब महात्मा जहाँ बैठे उसी जगह पर पहुंची भगवान श्री राम और लक्ष्मण बैठे। लक्ष्मण को पहचानने के बाद शक्ति के दिल में एक बात आ गई बाजीबा ये वही लक्ष्मण है जो मेघनाथ ने मुझे इस लक्ष्मण को मारने के लिए शक्ति बाणों पर चलाया क्या ये वही भगवान श्री राम है जो रावण दसकंदर को मार के गिराया। ऐसे विचार दिल में करती रही लेकिन थोड़े समय बाद सोचते सोचते उस लड़की ने और महात्मा जी से कही बाबा तुम मेरे साथ शादी कर लो ना। भगवान श्री राम ने मना कर दिया। जब मना किया है तो बोली कि शादी कर ले यो बाबा शादी कर ले। शादी कर ले ओ बाबा शादी कर ले। मेरी उम्र 16 साल मेरी उम्र 16 साल तू बाहों में भर ले ओ बाबा शादी कर ले ओ बाबा शादी कर ले। शादी कर ले तू बाबा शादी करी ले शादी करी ले। बाबा मेरी उम्र 16 साल मेरी उम्र 16 साल तू बाहों में भर ले ओ बाबा शादी करी ले ओ बाबा शादी करी ले। बाबा भगवान श्री राम कहने लगे हे राजकुमारी मैं शादी तो नहीं कर सकते मैंने पत्नी व्रत लिया है सीता के सिवा दूसरी बहन बेटी को मां के समान समझता हूं। हमारे अनुज भैया लक्ष्मण को पूछ लें अगर ये शादी करें। शक्ति कहने लगी बाबा देखने में भरपूर नूर हूं चंद्र बदन उजियारी देखने में भरपूर नूर में चंद्र बदन उजियारी हाँ देखने में भरपूर बाबा हे तुम बन जाओ घरवारे मेरे तुम बन जाओ घरवारे मेरे तुम बन जाओ घरवारे में मोए बनाओ घरवारी बाबा शादी करी ले बाबा शादी करी ले।
आज जैसे ही इस प्रकार से राजकुमारी ने भगवान श्री राम से कहा तो लक्ष्मण की तरफ इशारा किया है, याद आ गया है भगवान श्री राम को ब्रह्मा जी का वो वरदान कि ये भी वरदान पूरा होना है। और शक्ति मन ही मन में सोचने लगी, पहले मैंने लक्ष्मण को मार नहीं पाया, अब शादी कर लूंगी तो इस लक्ष्मण से जरूर ये बदला लूंगी, नहीं तो मेरा दुनिया में नाम ये हो जाएगा कि शक्ति ने लक्ष्मण को नहीं मार पाया, मैं बदला अवश्य लूंगी। वही शक्ति है जो मेघनाथ ने चलाई है। साथियों, आज शक्ति जिस समय रोते रोते और अपने पिता बाणासुर से जाकर के कहती है, महाराज कि शादी के दिन आए पिताजी, और मैं बर को ढूंढ के आई हूं। बेटी शक्ति को
आज जैसे ही राजा बालासुर ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया है, भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण को बुलवा लिया गया। साथियों, आज दोनों महात्मा जिस समय बालासुर के नजदीक आए हैं, बालासुर ने अपनी बेटी शक्ति को दुल्हन बनाया, लक्ष्मण को दूल्हा बनवाया, बड़े प्रेम से शादी की गई। ऐसा ही नहीं रमेश भैया, आरे बालासुर हर साई रे, शादी बिटिया की कीनी, राजा ने हर साई रे शादी बिटिया की कीनी, कोई लक्ष्मण दूल्हा बनवर, कोई लक्ष्मण दूल्हा बन गए रे, शक्ति दुल्हन बनवाई, शक्ति जौहर कर डाल, अब तो बजे रात के बारह, शक्ति जौहर कर डाल, रजनेश बजे रात के बारह, शक्ति ने जौहर कर डाल, रात के बारह, शक्ति जौहर कर डाले, जैसे ही आधी रात का समय हुआ, दूल्हा दुल्हन दोनों को सेज पर लिटा दिया गया है। आधी रात के समय शक्ति सोई नहीं, लक्ष्मण को चैन की नींद आ गई। लक्ष्मण की दूसरी शादी शक्ति के साथ हुई, लेकिन भोले भाले लक्ष्मण समझ नहीं पाए। शक्ति ने 12 बजे रात्रि के समय लक्ष्मण के पास से धीरे से उठ गई और अपने पिता की दुधारू तलवार लेकर के आ गई। ऐसा ही नहीं, अरे शक्ति लैया त दुधारी,
गई हंस दुदारी, मन में कियो क्रोध अति भारी। आज जैसे ही आधी रात के समय दुधारी तलवार लेकर के शक्ति ने चलाई, लक्ष्मण का सर अलग कर दिया। भगवान श्री राम नहीं समझ पाए मेरे भाई के साथ में क्या हुआ। त्रिया चरित्र सुनाने लगी, आज आधी रात पर वो शक्ति अटा पर खड़े होकर के चिल्लाने लगी, गांव वाले हो, अरे मेरी आवाज सुन रहे हो तो सुनो। शक्ति चिल्लाने लगी, ऐसा ही नहीं कि निज पत्यां तन से मारी और चढ़ी नारी अटा पे चिल्लाई। आवाज लगाने लगी, गांव वाले हो, निज पत्या तन से मारी चढ़ी नारी अटा पे चिल्लाई। तुम सुनो गांव के वासी है, बगिया में ये कुसन्यासी है, बन दे ही जुलम गुजारी, वो गुजारी चढ़ी नारी अटा पे चिल्लाया। आवाज लगाने लगी, गांव वाले हो, और गांव के सब नगर के लोग इकट्ठे हो गए। बालासुर भाग करके आ गया, पूछने लगा बेटी क्या हो गया, तो वो त्रिया चरित्र दिखाने वाली शक्ति कहने लगी, पिताजी बगिया में जो सन्यासी रह रहा है उसने जुलम को डाल दिए, मेरे पति को अपने हाथों से मार के चला गया। ऐसा ही नहीं पिताजी, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। बने हाथ बदन पे डारो है, बने हाथ बदन पे डारो है, मोए लागे बिसियर कारो है, लागे बिसियर कारो है, मेरे मार दए भरतार भरतार चढ़ी नारी अटा पे चिल्लाई।
पति हाथन से मारी हो मारी चढ़े नारी अटा पे चिल्लाई आज अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया है। उसी समय सिपाही भागे, भगवान श्री राम बगिया में लेटे ही जाकर के बंदी बना लिया भगवान श्री राम को और लेकर के चल पड़े हैं बाड़ासुर की तरफ। बंदी बनाई भगवान को ले गए महल बुलाई अपनी बेटी से कही शक्ति दियो बताए। वह शक्ति जो कह रही थी भगवान श्री राम से कि हमारे साथ में शादी कर लो, उसने कितना बड़ा धोखा किया भगवान श्री राम के साथ में। साथियों ऐसा ही नहीं, आ रही तनी कहकर राजा बोला बेटी सुन ले बात हमार दंड का है जा जोगी को सो तुम हमको दियो बताए। दंड का है जा जोगी को सो तुम हमको दियो बताए तुम मारो या हम दे मारी क्या कृपा तुम करो यार। बेटी बोली निज बाबुल से बाबुल सुनना बचन हमार बेटी बोली निज बाबुल से। ए बोटी बोली निज बाबुल से पिता की सुनना बचन हमार हम मारूंगी जा बाबा को तुम्हारो कोई ना है अधिकार जाने पति हमारे मारे अपना बदलो लिए चुकाए जाने सैया मेरे मारे अपनो बदलो लिए चुकाए तासे दे तलवार हाथ में श्री राम ढिंग पहुंची जाए पूछन लगी श्री राम से जोगी शर्म रही तो नाए पूछन लगी श्री राम से। ए पूछन लगी श्री राम से जोगी शर्म रही तो ना तूने बालम मेरो मारो का भैया तिर पड़ो दिखाए यही दशा देखी हर की जब रजनेश रह गए आंखें फार खंजर लेके शक्ति ठाड़ी श्री राम पे पड़ी तुराए बाड़ासुर तब बोलन लागो बेटी सुनना बचन हमार बाड़ासुर तब बोलन लागे। ए बाणासुर तब बोलन लागो बेटी सुनना बचन हमार अंतिम इच्छा पूछो जाकी क्या इच्छा कोई लगे तुराए अंतिम इच्छा पूछो जाकी जोगी को तब देना मार अंतिम इच्छा मर वे कारण सबको वेदम दई बताए अंतिम इच्छा मर वे कारण। शक्ति दीने झुलम गुजार शर्म रही न तुमको आखी सो तुम सुनना बचन हमार शर्म रही न है आखिन में मेरो भैया तो मरवाए अब मैं जोगी अकेले रह गए मोको मारन को तैयार अब मैं जोगी अकेले रह गए। आ
अब हम जोगी अकेले रह गए सो हनुमत को लिए मना। कहने लगे भगवान श्री राम, राजा बाड़सुर, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं पवन पुत्र हनुमान की थोड़े दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा ही नहीं, आंखों में आंसू भर के भगवान श्री राम पवन पुत्र हनुमान को याद करने लगे। साथियों, क्या थी दशा, आरे बंदी बने श्री राम याद तब पवन पुत्र की आई। अंजन छैया क्यों रहो देर लगाई, पवन पुत्र हनुमान कहाँ हो तुम्हें, राम बुला रहे हैं। और जब जब मुझ पर संकट आया तुमने मेरी सारे संकट में सहायता की है, आज कहाँ हो हनुमान, जल्दी आ जाओ। भगवान श्री राम बुलाने लगे, ऐसा ही नहीं, अरे मारे लखन लाल शक्ति ने जैने का दया न आई, खंजर लेके खड़ी सी मेरे पैदे बे चलाई। कछु समझ न आई और पल भई देर गुलशन कहू नाए जियत राम नहीं पाओ। ऐसा ही नहीं साथियों, अब तो तेरे राजा राम पवन सुत जल पी आई जई, सौरभ तेरे राजा राम पवन सुत जल पी आई जई। राजा राम पवन सुत जल्दी आई जई, भगवान श्री राम रोते रोते आवाज लगाने लगे हैं, पवन पुत्र हनुमान कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, शक्ति ने मेरे छोटे भैया लक्ष्मण का वध कर दिया है और खंजर लेकर के मेरे पास खड़ी है, अगर तुमने आने में थोड़ी भी देर की तो भगवान श्री राम को तुम दोबारा नहीं पाओगे। उसी समय पवन वेग से आए हैं और श्री राम बंदी पाए और घूसा मारो शक्ति को मार धरन पे गिरायो हे घूसा मारो।
पवन पुत्र ने जैसे ही भगवान श्री राम की टेर सुनी, आ गए, एक घूंसा मारा, शक्ति जमीन पर गिर गई, मुंह से लोह निकल पड़ा, एक एक घूंसा मारा, जल्लादों को भी मार दिया। वो मार सिपाही जमीन डारे, सब बाड़ा सुर खिसियायो है, आदेश सुनायो लश्कर को जन कैसो जुलम गुजारा है। आदेश शक्ति को मरिबो सुनो, बालासुर के जवान महावीर पर एकदम टूटे वेग समान, आज शक्ति का मरना सुनते ही सारी सेना को त्रैस नैस कर दिया, भगवान श्री को बंदा ग्रह से छुड़ा लिया। पवन पुत्र हनुमान पूछने लगे प्रभु श्री राम से, भगवान अनुज भैया लक्ष्मण कहाँ हैं? उसी समय भगवान श्री राम की बात सुनने के बाद हनुमान कहने लगे, प्रभु अगर आज्ञा आप ही पा जाएं तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाए, आकाश सूर्य को जमीन पर धूल में मिला दें, कहो तो लक्ष्मण को दोबारा जिंदा कर दें। भगवान श्री राम कहने लगे, हनुमान तुम्हारा अब कोई काम नहीं है, आपने मुझे छुड़ा लिया, शक्ति का वध कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। उसी समय बाणासुर ने भगवान भूतनाथ भोले बाबा की याद की, भगवान भूतनाथ भोले बाबा आ गए, बाणासुर से पूछने लगे, बाणासुर क्यों बुलाया तूने? बाणासुर कहने लगा, महाराज क्षमा करना, हमारे यहां पर एक बंदर ने आकर के सारी सेना को मार दिया, यहां तक हुआ मेरी बेटी को भी मार दिया। उसी समय जैसे ही हनुमान जी की तरफ नजर करके देखी, भगवान भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे, बाणासुर पागल हो गए हो, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम बाणासुर कि तू जिस पर शक्ति चलाता है, वही रुद्र रूप हमारा सुर। तू जिन पर हुक्म चलाता है वही रुद्र रूप हमारा है,
बड़ा प्यारा है। राजन ओ धूप भला तू भूला क्या, तू धूप मेरो बरदानी है और तीन लोक को विजय करैया। हाँ तेरे जा पर बंदी है, तीन लोग का जिसने दस कंदर रावण का वध कर दिया उसे तूने बंदी बना लिया। हाय हाय तेरी अकल कहां बा है उन रघुवर पर। आज जैसे ये कहा भगवान भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे राजन तूने बहुत बुरा किया, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है जिन्हें तू बंदी बनाए खड़ा है। ऐसा ही नहीं सौरभ, आरे कही शंभु समझ आई भूप तेरी अकल भैर मंदी। तीन लोक के नाथ आज तने करवाए ले बंदी। तूने नहीं पहचान पाया ये वही परमात्मा श्री राम है। अरे विजय लंका को करवैया, अरे विजय लंका को करवैया है मेरो ही रूप लड़े कपि अंजन को छैया। अरे बहुत सुंदर है।
बोला मोहित। अरे शरम तो आँखन नहीं आवे, अरे शरम नहीं आँखन में आवे, थोड़ी देर में दुष्ट जान तू अपनी दे बैठ। अरे आज जैसे ही भगवान भूतनाथ चले जाते हैं, बाणासुर ने भगवान श्री राम को आजाद किया है, पवन पुत्र हनुमान चले गए। भगवान श्री राम के कहने पर अंत में भगवान श्री राम बाणासुर से कहने लगा, अरे राजन एक भीख मांग रहे हैं तुमसे। और रो करके भगवान श्री राम कहने लगे, राजन ओरे भूप बरदानी और लहस तो गहाय दे लो रे, लास खास भैया की रजाई तेरो धर्म है, दे दे लास खास भैया की रजाई धर्म तेरो है, आका उमर घट में जाय की कर दो काउ शमशान में के कर दू जा को क्रिया कर्म छोड़ तेरी राजधानी से ही भगवान श्री राम के सामने बाणासुर ने लक्ष्मण की लेस रखवाई, भगवान श्री राम एकदम बहर आ गए। भज के भर लई जेठ भैया की, भज के भर लई जेठ देख के आज लेस भैया की, आज जैसे ही भगवान श्री राम लक्ष्मण की जेट भर लेते हैं, लक्ष्मण के तरफ देख करके पवन पुत्र हनुमान ने कह दिया, प्रभु बताओ इन्हें जिंदा कर दें। भगवान श्री राम ने मना कर दिया। पवन पुत्र आज चले जाते हैं,
भगवान श्री राम गंगा जी के किनारे पहुंच गए। लक्ष्मण सरता नीर में हड्डी लई निकाल, गले में माला डार के गए अम्बरीश के द्वार। वही बात याद आ गई, उसी जगह पर पहुंच गए जो आप यहां पर प्रश्न कर रहे थे। एक कहावत कही जाती है गांव गांव में, गली गली में लोग प्रश्न कर दिया करते हैं कि माला में से बाबा निकलो और बाबा मन को मौजी कही तू बहनिया से भौजी। साथियों, इसी के साथ साथ लक्ष्मण के मृत्युदंड के बारे में हमारी आगामी प्रोग्राम आप गुलशन कैसेट में सुनेंगे। किस तरीके से भगवान श्री राम ने अपने छोटे भैया लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया, इससे पहले आप हमारे चुटकुले सुन चुके हैं, सास खवायरी रबड़ी बहु घर मचायरी गबड़ी, और भी चुटकुले दिए हैं। गजक का कलर बदल रहा है, बीवी के बने गुलाम, अन्य सारे गुलशन कैसेट में आपको सुनने को मिलेंगे। वही कहावत, एक और पुरानी कहावत का इसका प्रश्न हमारे पास आया। लोग गांव गांव में गली गली में प्रश्न कर दिया करते हैं, आगामी प्रोग्राम हमारा सुनेंगे। इससे पहले जिस समय भगवान श्री राम लक्ष्मण की हड्डियां अपने गले में डाल करके राजा अम्बरीश के दरवाजे पर पहुंच गए और महाराज अम्बरीश ने महाराज भगवान श्री राम को साधु का भेष देखा, हड्डियों की माला गले में देखी, बड़े प्रेम से बुलाया, महाराज आओ कि आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, कहो क्या चाहत महाराज, क्या सेवा करूं तुम्हारी। भगवान श्री राम बोले, राजन क्या बताएं। अम्बरीश बोले, सेवा करूं तुम्हारी स्वामी, सेवा करे तुम्हारी, क्या चाहते हो मैं सेवा करूं तुम्हारी। बोले, संत शिरोमणि कभी किसी के द्वार द्वार नहीं जाते, और होती कृपा ईश्वर की शुभ दर्शन तभी पाते। आज जैसे ही भगवान श्री राम राजा अम्बरीश के दरवाजे पर पहुंचे, साथियों राजा अम्बरीश ने बड़े प्रेम से बैठाला, पूछने लगे स्वामी भोजन कर लो। भगवान श्री राम कहने लगे, राजा अम्बरीश
तुम अगर भोजन ही कराना चाहते हो, तुम्हें ऐसे वैसे भोजन नहीं कर पाते हैं। सूर पाक के जो सूर्य की तपन से जो भोजन बनाए जाते वही भोजन करता हूं। राजा अम्बरीश कहने लगा, महाराज इसके लिए आप चिंता न करें, हम अभी जा रहे हैं, अपनी महारानी से यह भोजन जरूर बनवा के लाएंगे। चल दिए हैं। श्री आज्ञा धार तुम्हारी मैं, क्या भोजन बना सके रानी, ये पूछ लौट कर आता हूं। आज जैसे ये कहा है, भगवान श्री राम ने कह दिया है चले जाओ महाराज, पूछ करके आओ। और उसी समय राजा अम्बरीश चला है कि वो अम्बरीश जब चली थी ना रानी से पूछी कि बदराना एक बात समझ नहीं आई है। महारानी एक बात मेरी समझ में नहीं आई। पूछने लगी महारानी क्या कहना चाहते हो महाराज। साथियों आया हूं, ओ रानी मैं डरता डरता आज जैसे ये बात सुनी है, महारानी कहने लगी महाराज ये शिक्षा मैंने कभी नहीं पाई। सूरपाक भोजन भला मैं कैसे बनाऊं। राजा अम्बरीश नीचे को गर्दन कर गए। सीता राजा अम्बरीश के आंगन में बैठी बैठी सुन रही है। सीता कहने लगी पिताजी क्या बात हो गई है। तो अम्बरीश कहने लगा एक महात्मा ने आकर के सूरपाक भोजन बनवाए, अगर सूरपाक भोजन नहीं करा पाए तो यह बहुत बड़ा अपमान होगा, पता नहीं महात्मा कौन सा श्राप दे करके चला जाएगा। सीता कहने लगी चिंता मत करो प्रभु, सब कुछ परमात्मा की लीला है, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा ही नहीं, सीता ने बड़े प्रेम से सूरपाक के भोजन बनाए। कैसे भोजन बनाए, आर भोजन लिए बनाई थार दुई लिए सजाई, और अम्बरीश की सुतारे राम के पास में आई। कोई अम्बरीश की राजा अम्बरीश की लड़की
पिता के रूप जिस समय महात्मा के पास में आई, भगवान श्री राम के पास। भोजन लिए बनाए थार दुए लिए सजाई, अम्बरीश की बेटी रे राम के पास में आई। कोई अम्बरीश की गुरुदेव देखे अकेले राम कहीं कांवरन तुम्हारे पाई, देखे अकेले राम कहीं कांवरन है तुम्हारे। हथिन माला दिखाई नीर प्रभु नैनन में तारे, हाँ हथिन माला और जैसे ही मैया सीता ने पूछा प्रभु भगवान श्री राम से, तुम्हारे अनुज भैया लक्ष्मण कहाँ हैं, और जो बात ये सुनी लक्ष्मण कहाँ हैं, उसी समय भगवान श्री राम ने आंखों में आंसू भर लिए, आंखों से आंसू की धार लग गई और अपने गले से वो माला लक्ष्मण की हड्डियों की ली, जमीन पर डाल दी। सीता मैया ने अपनी अंगुलियां का रक्त जो था वो चीर करके उस माला के ऊपर डाला, और जैसे ही डाला पुनः लक्ष्मण जिंदा हो गए। साथियों यहीं से एक कहावत चली, माला में से बाबा निकलो बाबा मन को मोजी, केत बहनियां सो भौजी। लक्ष्मण जब जिंदा हो गए तब वही सीता से भौजी कहते हुए भाभी कहते हुए आवाज लगाने लगे। ये आवाज राजा अम्बरीश के लड़के ने सुनी है, और वो लड़का अपने पिताजी से कहता, पिताजी कि माला में से रामवीर ठेकेदार कि माला में से बाबा निकलो और बाबा मन को भौजी, कही तू बहनिया से भौजी। हा माला में से बाबा निकलो बाबा मन को भौजी, कही तू बहनिया से भौजी। कावत और है इसी के साथ साथ, पति पिता के पेट में सुता रही ये कुलाए, पिता मरे तो पति मिले न जन्म कुआरे जाए। ये भी आगामी प्रोग्राम हमारा आप गुलशन कैसेट में सुनेंगे। मैं रजनेश, हमारा मोबाइल नंबर है 9720042034। बोला अजब कला धारी है संत, जाकी लीला बड़ी अनंत, मोए लागे दीदी को कंठ। अजब कला धारी है संत सौरभ, जाकी लीला बड़ी अनंत, मोए लागे दीदी को कंठ। मोए लागे दीदी को कंठ, प्रेम प्रफुल्लित देख रही है जैसे चंद्र मातू जी, कही तू बहनिया से मौजी। हाँ माला में से बाबा निकलो बाबा मन को मौजी, कही तू बहनिया से मौजी। सुरेश
बहन कर रही त्योहार, अजब बहन कर रही त्योहार, हर्ष तो हुई कि बारंबार, और परसे चटनी और अचार, परसे चटनी और अचार, हाँ परसे चटनी और अचार, परसे चटनी और अचार, हाँ रमेश चंद आलू पालक गोभी भुजिया, ए आलू पालक गोभी भुजिया, और गुलशन खट्टी अमिया की लौजी, कही तू बहनिया से भोजी, हाँ ए कही तू बहनिया से भोजी, कही तू बहनिया से भोजी, हाँ माला तू बहनिया से, बोला श्री राम जय राम जय जय राम, भगवान श्री राम का दूसरा विवाह इस प्रकार से बेटी अम्बरीश के घर पे सीता के साथ दोबारा से शादी हुई है। साथियों बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम, बोलिए राजा राम